नमस्कार विद्यार्थियों, मैं राजेश गुप्ता, सहायक आचार्य राजनीति विज्ञान, बाबू शोभाराम राजकीय कला महाविद्यालय अलवर। आपका पुनः स्वागत है महाविद्यालय के YouTube चैनल पर। और आज जिस टॉपिक पर चर्चा करेंगे वह है अरस्तु के राज्य संबंधी विचार। अरस्तु के जीवन परिचय जिसकी महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं उसके बारे में मैंने अभी एक पूर्व में एक वीडियो अपलोड किया है, आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं, उसको देख सकते हैं और उसकी महत्वपूर्ण जो पुस्तकें हैं और उसके परिचय के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अरस्तु के जो राज्य संबंधी जो विचार हैं वो अत्यंत हमारे लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि वो वैज्ञानिकता के सिद्धांत पर आधारित है। जो अरस्तु राज्य संबंधी विचारों को प्रारंभ करने से पहले सबसे महत्वपूर्ण बात वो ये कहता है कि मनुष्य एक सामाजिक और राजनीतिक प्राणी है, अर्थात बिना समाज और राज्य के मनुष्य नहीं रह सकता, बिना समाज और राज्य के केवल पशु या देवता ही रह सकते हैं। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, मनुष्य एक राजनीतिक प्राणी है, समाज और राज्य के बिना मनुष्य का कोई अस्तित्व नहीं है, अर्थात समाज और राज्य मनुष्य के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, उसके व्यक्तित्व के विकास के लिए जरूरी है, मनुष्य के कल्याण के लिए राज्य और समाज दोनों जरूरी है। तो ये सबसे महत्वपूर्ण बात जो अरस्तु कहता है, ये कोटेशन कई बार पेपरों में पूछ ली जाती है कि मनुष्य एक सामाजिक और राजनीतिक प्राणी है, किस विद्वान की कोटेशन है, किस विद्वान ने ये कहा है। तो इस कोटेशन को हमारे दिमाग अपने दिमाग में ध्यान रखना हमारे लिए बहुत जरूरी है कि मनुष्य बिना समाज और राज्य के नहीं रह सकता, जो बिना समाज या राज्य के रह सकते हैं वो पशु हो सकते हैं या देवता, ऐसा अरस्तु ने कहा है। अरस्तु राज्य की उत्पत्ति के बारे में प्रकृतिवादी प्राकृतिक सिद्धांत या विकासवादी सिद्धांत को मानता है। अच्छा, राज्य की उत्पत्ति का विकासवादी सिद्धांत क्या है ये भी जानना बहुत जरूरी है। राज्य की उत्पत्ति के कई सारे सिद्धांत हैं। कुछ कहते हैं कि राज्य कृत्रिम संस्था है, राज्य अपने आप नहीं बना, राज्य लोगों ने बनाया है। जब लोगों को आवश्यकता हुई कि एक राज्य की राज्य नामक संस्था बनाई जानी चाहिए तब लोगों ने उसका निर्माण किया। हम बाद में कुछ विचारक पढ़ेंगे जैसे हॉब्स, लॉक, रूसो, इन्होंने सामाजिक समझौते का सिद्धांत दिया है। उसमें वो कहते हैं कि राज्य प्राकृतिक संस्था नहीं है, राज्य का निर्माण स्वतः नहीं हुआ, राज्य जब बनाया जब लोगों को इसकी आवश्यकता महसूस हुई। उदाहरण के लिए मैं हॉब्स एक बहुत महत्वपूर्ण विचारक है, वो बोलता है कि जब प्राकृतिक अवस्था में जब लोगों को अपने जीवन को जब जीवन का भय लगा, जीवन के प्रति वो डर लगा, क्योंकि तो जो उस प्राकृतिक अवस्था में लोग एक दूसरे को मार रहे थे, तो इस जीवन की सुरक्षा के लिए लोगों ने एक राज्य नामक संस्था का निर्माण किया, लोगों ने एक शासक बनाया जो उनकी सुरक्षा करे। तो ये जो हॉब्स लोग रूसो हैं वो राज्य को कृत्रिम मानते हैं, राज्य अपने आप नहीं बना, लोगों ने अपनी जरूरत के हिसाब से राज्य बनाया। कुछ लोग राज्य को देवीय संस्था मानते हैं कि राज्य की जो संरचना है वो ईश्वर ने की है। लेकिन जो अरस्तु है वो राज्य के विकासवादी सिद्धांत को स्वीकार करते हैं, राज्य कृत्रिम नहीं है, राज्य को लोगों ने नहीं बनाया, ऐसा अरस्तु बोलते हैं। राज्य अपने आप बना है, स्वतः बना है, राज्य प्राकृतिक संस्था है। राज्य के विकासवादी सिद्धांत को स्वीकार करने वाले अरस्तु हैं। तो राज्य के जो विकासवादी सिद्धांतों के अन्य समर्थक भी हैं, जैसे मैकाइवर हम बात करें, बर्गेस बात करें, गेटल बाने, ये भी राज्य के विकासवादी सिद्धांत को स्वीकार करते हैं। इसके अनुसार राज्य एक प्राकृतिक संस्था है, राज्य को लोगों ने नहीं बनाया, राज्य स्वतः अपने निर्माण निर्माण के दौर से स्वतः अपने परिपक्व अवस्था को प्राप्त हुई है। अब अरस्तु कहता है कि राज्य का निर्माण कैसे हुआ, राज्य का निर्माण स्वतः तो हुआ है, अपने आप एक स्वतः गति से हुआ है, लेकिन किस तरीके से हुआ है इसको अब बताने की प्रयास है वो अरस्तु करते हैं। अरस्तु कहते हैं कि सबसे पहले धरती पर मनुष्य आया, और जब मनुष्य आया तो उसने जो विवाह नामक जो संस्था है उससे सबसे पहले अपने परिवार का निर्माण किया, और फिर कई परिवार, जब परिवार हुए फिर कई परिवार हुए तो कई परिवारों से वो एक समाज का इसने रूप ले लिया, कई परिवारों से समाज बन गया। तो सबसे पहले मनुष्य, फिर मनुष्य से कई सारे परिवार, और कई परिवारों से फिर समाज,
और जब कई सारे समाज हो गए, कई सारे कबीले हो गए, कई सारे समुदाय हो गए, तो उनसे राज्य नामक संस्था का निर्माण हुआ। तो इस प्रकार मनुष्यों से परिवार बना, कई परिवारों से समाज बना, और कई समाजों से, समुदायों से, कबीलों से राज्य नामक संस्था का निर्माण हुआ। तो राज्य क्या है? समुदायों का समुदाय। कई सारे समाजों से राज्य बना है, तो राज्य भी तो एक प्रकार का बड़ा समाज हुआ। इसलिए अरस्तु कहता है कि राज्य और समाज एक ही है, क्योंकि बहुत सारे समाज मिलकर ही क्या बनाते हैं? राज्य बनाते हैं। तो राज्य भी अपने आप में एक बहुत बड़ा समाज ही है। तो इसलिए अरस्तु राज्य और समाज को एक ही मानता है। दूसरे शब्दों में अरस्तु राज्य की परिभाषा देता है कि मनुष्यों से परिवार बने, कई परिवारों से फिर वो गांव के रूप में बदल गए, कई गांवों से वो नगर राज्य बन गए। तो ये नगर राज्य की भी यही कहानी है। ऐसे अरस्तु कहता है कि राज्य कुलों, गांवों और नगरों का समूह है। और इस प्रकार अरस्तु राज्य को मनुष्य द्वारा निर्मित या मनुष्य द्वारा निर्मित नहीं मानता, वो उनको कृत्रिम नहीं मानता, वो राज्य को प्राकृतिक या स्वाभाविक संस्था के रूप में स्वीकार करता है। अब अरस्तु और आगे बढ़ता है, वो कहते हैं कि जो राज्य है वो वास्तव में सर्वोच्च है, राज्य सबसे पहले आता है। अब ये प्रश्न आता है कि धरती पर तो सबसे पहले मनुष्य आया, हाँ फिर राज्य सबसे पहले कैसे आएगा? तो अरस्तु इसे स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि प्रकृति का नियम है कि पूर्ण हमेशा अनिवार्य, जो पूर्ण है वो अनिवार्य रूप से अंश से पहले आता है। हाँ, ये बात सही है, अरस्तु कहता है कि ऐतिहासिक रूप से मनुष्य सबसे पहले आया, लेकिन जिस प्रकार किसी शरीर के अंगों से पहले शरीर का नाम आता है, और जिस प्रकार अंगों से पहले शरीर का नाम आता है, उसी प्रकार मनोवैज्ञानिक रूप से भी राज्य पहले आता है, व्यक्ति बाद में आता है। तो इस प्रकार पूर्ण हमेशा पहले आएगा, अंश हमेशा बाद में आएगा। इसे राज्य पहले है, राज्य स्वतः है, राज्य साध्य है, ऐसा अरस्तु बोलते हैं। व्यक्ति साधन है। अरस्तु व्यक्ति की तुलना में राज्य को अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं। अरस्तु कहते हैं कि राज्य साध्य है, क्योंकि राज्य में रहकर ही व्यक्ति का सर्वांगीण विकास संभव नहीं है। बिना राज्य के मनुष्य अपना विकास नहीं कर सकता। राज्य सर्वश्रेष्ठ है, राज्य सर्वोच्च है, राज्य आत्मनिर्भर है। वो अरस्तु कहते हैं कि मनुष्य में जो राज्य है, सबसे पहले जो राज्य है वो मनुष्य सुरक्षा के लिए आया था, क्योंकि मनुष्य से कई परिवार बने, कई परिवार से समाज बने, कई समाजों से राज्य बने। परिवार का दायित्व, परिवार में मनुष्य अपनी कुछ आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, समाज में मनुष्य की कुछ अन्य आवश्यकताओं की पूर्ति होती है, और राज्य मनुष्य की जो सुरक्षा संबंधी जो दायित्व है उनकी पूर्ति करता है। तो उद्देश्य तो यही था कि व्यक्ति की सुरक्षा करना। लेकिन जब शुरू में मनुष्य की सुरक्षा करना राज्य का दायित्व था, लेकिन धीरे धीरे राज्य ने कुछ कार्य अपने हाथों में ले लिए, और इस प्रकार जो राज्य है वो मनुष्य के सज्जीवन के लिए बना हुआ है। और इसलिए अरस्तु कहते हैं, बहुत महत्वपूर्ण उनके कथन है ये, कि प्रारंभ में जो राज्य था वो मनुष्य की सुरक्षा के लिए आया, लेकिन अब उसके सज्जीवन के लिए बना हुआ है। अब राज्य ने न केवल उसकी सुरक्षा का अपितु कई कार्य अपने हाथों में ले लिए। हम भी देखते हैं अपने जीवन के जितने सभी महत्वपूर्ण कार्य हैं, उनकी वो सभी कार्यों के लिए हम राज्य के ऊपर निर्भर हैं। हम हमारी शिक्षा व्यवस्था है, हमारा हमारा जो भी पेशा है, नौकरी पेशा है, हमारे कार्य हैं, हम उन सभी कार्यों के लिए अमूमन हमारे राज्य के ऊपर निर्भर हैं, क्योंकि राज्य हमारे सज्जीवन के लिए कार्य करता है, राज्य हमारे कल्याण के लिए कार्य करता है। इसलिए हम बिना राज्य के अब नहीं रह सकते। इसी बात को अरस्तु ने कहा भी है। अरस्तु बोलते हैं राज्य एक नैतिक संस्था भी है। क्यों? क्योंकि राज्य में रहकर ही व्यक्ति का कल्याण संभव है, राज्य मनुष्य के कल्याण के लिए कार्य करता है। और जो नैतिक जो शब्द है, नैतिक रूप से जो सर्वोच्च वर्ड अरस्तु ने राज्य के लिए जो प्रयोग किया है, उसके लिए यूनानी भाषा में उसने एक अलग शब्द का प्रयोग किया है, वह है कोइनोनिया शब्द। अर्थात कोइनोनिया का मतलब होता है नैतिक रूप से सर्वोच्च संस्था। तो अरस्तु ने राज्य को नैतिक रूप से सर्वोच्च संस्था के रूप में स्वीकार किया है, और उसके लिए कोइनोनिया शब्द का प्रयोग किया है। तो
तो इस प्रकार अरस्तु ने राज्य को कई नामों से संबोधित किया है, कई विशेषताओं से अलंकृत किया है। राज्य सबसे पहले आता है, राज्य सर्वोच्च है, राज्य साध्य है, राज्य नैतिक रूप से सर्वश्रेष्ठ संस्था है, राज्य में ही व्यक्ति का कल्याण संभव है, राज्य सर्वोच्च है, राज्य आत्मनिर्भर है। यद्यपि ऐतिहासिक रूप से मनुष्य धरती पर सबसे पहले आया, लेकिन चूंकि पूर्ण अंश से पहले आता है, शरीर का नाम उसके अंगों से पहले आता है, इसे राज्य का नाम भी पहले आएगा, राज्य प्रथम आएगा। राज्य साध्य है, तो ये कई विशेषताएं हैं ये राज्य की अरस्तु ने बताई है। इसके अलावा राज्य और मनुष्य आपस में जुड़े हुए हैं, ऐसा अरस्तु मानता है। अरस्तु कहता है कि जिस प्रकार शरीर को उसके अंगों से अलग नहीं किया जा सकता, उसी प्रकार राज्य को भी व्यक्तियों से अलग नहीं किया जा सकता। न व्यक्ति का वो राज्य से अलग किया जा सकता है, न राज्य को व्यक्ति से अलग किया जा सकता है। इन दोनों का एक दूसरे के बगैर कोई अस्तित्व नहीं है। तो ये सिद्धांत राजनीति विज्ञान का, इसे बोलते हैं राज्य का सावयव या जैविक सिद्धांत। ये सिद्धांत कहता है कि व्यक्ति और राज्य का वही संबंध है जो शरीर का उसके अंगों से होता है। जिस प्रकार शरीर को उसके अंगों से अलग नहीं किया जा सकता, उसी प्रकार राज्य को भी व्यक्तियों से अलग नहीं किया जा सकता। इसे बोला जाता है राज्य का सावयव या जैविक सिद्धांत। जितने भी आदर्शवादी विचारक हैं, सामान्यतः वो इसी सिद्धांत को मानते हैं। आदर्शवादी विचारक प्लेटो हैं, अरस्तु हैं, हीगल, ब्रेडले, बोसांके, हर्बर्ट स्पेंसर, ये सभी राज्य के जैविक सिद्धांत को मानते हैं। ये सभी लोग मानते हैं कि मनुष्य को राज्य से अलग नहीं किया जा सकता, जिस प्रकार शरीर को उसके अंगों से अलग नहीं किया जाता। इस प्रकार जो अरस्तु है वो मनुष्य को राजनीतिक प्राणी मानते हैं, और इसका तात्पर्य स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि मनुष्य केवल राजनीतिक समुदाय में ही अच्छा जीवन व्यतीत कर सकता है। अरस्तु राज्य को जो राजनीति उसे एक नैतिक क्रिया मानते हैं, एक अच्छी क्रिया मानते हैं, जिसका उद्देश्य एक न्यायपूर्ण समाज की स्थापना करना है। तो अरस्तु राजनीति को एक महत्वपूर्ण नैतिक क्रिया के रूप में मानते हुए राजनीति को बहुत एक अच्छी प्रक्रिया के रूप में वो स्वीकार करते हैं। वो राजनीति को एक श्रेष्ठ विज्ञान मानते हैं जो मूलतः एक अच्छे समाज का निर्माण करता है। अरस्तु कहते हैं कि किसी भी वस्तु की जो प्रकृति है ना, उसका जो निर्धारण है वो उसके अंतिम अवस्था से होता है, न कि प्रारंभिक अवस्था से। जो अंतिम अवस्था में जिस वस्तु का जो स्वरूप निकल कर आएगा, उसी से उसकी प्रकृति का निर्धारण होगा। और चूंकि राज्य पहले आता है इसी आधार पर, इसलिए व्यक्ति बाद में आएगा, क्योंकि राज्य पूर्ण है, व्यक्ति से ही क्या बना है, राज्य बना है। व्यक्ति, व्यक्तियों से परिवार, परिवार से समाज और राज्य। तो किसी व्यक्ति की जो अंतिम जो पूर्ण अवस्था है वो राज्य में जाकर उसकी पूर्णता को प्राप्त होती है, इसलिए राज्य प्रथम आएगा, व्यक्ति बाद में आएगा। अब अरस्तु ने राज्य की कुछ अन्य विशेषताएं बताई हैं, जैसे राज्य का आकार क्या होना चाहिए। तो अरस्तु कहते हैं राज्य का आकार ना तो बड़ा होना चाहिए, न ही छोटा होना चाहिए। फिर आप बात करते हैं अरस्तु के अनुसार राज्य की जनसंख्या। प्लेटो ने जो आदर्श राज्य की जनसंख्या 5040 मानी है, अरस्तु कहता है कि राज्य की जनसंख्या न तो कम होनी चाहिए न ज्यादा होनी। उसने कोई संख्या नहीं बताई अरस्तु ने, वो केवल इतना कहते हैं कि राज्य की जनसंख्या न तो कम होनी चाहिए, बहुत कम होनी चाहिए, न तो बहुत कम हो, न ही बहुत ज्यादा हो। अरस्तु की कोटेशन भी है कि न तो राज्य की जनसंख्या 10 होनी चाहिए न 1,00,000, मध्यम होनी चाहिए। फिर हम बात करते हैं अरस्तु के राज्य में संपत्ति वितरण को लेकर। तो अरस्तु बोलते हैं कि संपत्ति है ना, वो तो सभ्यता का लक्षण है। संपत्ति मनुष्य का देश काल में विस्तार है। मनुष्य संपत्ति के माध्यम से ही मनुष्य को लोग विश्व में जाना जाता है, संसार में जाना जाता है। इसलिए संपत्ति मनुष्य के व्यक्तित्व के विकास के लिए आवश्यक है। तो संपत्ति व्यक्तिगत हो सकती है, संपत्ति से मनुष्य प्रभावशाली बनता है, वो उसके सभ्यता का परिचायक है, लेकिन संपत्ति का जो प्रयोग है वो सामान्यतः सामूहिक ही किया जाना चाहिए। इसका प्रयोग व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए न हो वो ज्यादा बेहतर है, ऐसा अरस्तु मानते हैं। अरस्तु फिर अपने अपने आदर्श राज्य जो दिया है, उनके जो राज्य का जो विचार है, उसमें विधि के शासन की बात करते हैं। जहां प्लेटो ने अपनी पुस्तक जो लिखी थी रिपब्लिक, उसमें वो एक दार्शनिक राजा के शासन की बात करते हैं, दार्शनिक शासन की बात करते हैं। उसमें
लेकिन अरस्तु अपनी पुस्तक पॉलिटिक्स में जिस आदर्श राज्य की चर्चा करते हैं वो विधि के शासन पर टिका हुआ है। तो सबसे पहले जो विधि के शासन की बात करते हैं वो भी अरस्तु है। अरस्तु कहते हैं कि जो विधि का जो शासन है वो ऐषणा भाई भतीजावाद जो कॉन्सेप्ट है भ्रष्टाचार से मुक्त है, क्योंकि विधि का जो विधि है ना वो किसी के साथ असमान व्यवहार नहीं करेगी, वो सबके साथ समान व्यवहार करती है। इसलिए जो विधि सबके साथ समान व्यवहार करती है, कोई व्यक्ति निरंकुश हो सकता है लेकिन विधि निरंकुश नहीं हो सकती, कानून निरंकुश नहीं हो सकता यदि उसका प्रयोग सम्मत तरीके से किया जाए, संवैधानिक रूप से किया जाए, लोकतांत्रिक नियमानुसार किया जाए। तो विधि ऐषणा अर्थात भाई भतीजावाद और जो तृष्णा है उससे मुक्त है, ये बहुत अच्छी महत्वपूर्ण जो शब्द हैं वो अरस्तु के हैं। लेकिन वो इसमें एक संशोधन करते हुए कहते हैं कि विधि की सबसे बड़ी जो कमी है वो ये है कि वह स्वयं परिवर्तित नहीं हो सकती। आपने एक बार जब किसी कानून को बना दिया तो स्वतः परिवर्तित नहीं होगा। तो इसलिए अरस्तु बोलते हैं कि बहुमत के माध्यम से इसमें विधि में समय के अनुसार परिवर्तन भी किए जाने चाहिए, समय के साथ विधि में बदलाव भी लाने चाहिए ताकि विधि समयानुकूल परिवर्तित हो सके, लोकतांत्रिक जो शासन है उसके अनुरूप वो खुद को संगत बना सके। तो ये अरस्तु के राज्य संबंधी विचार हैं। इसमें अंतर्गत अरस्तु राज्य को सर्वोच्च मानते हैं, राज्य स्वाभाविक मानते हैं, राज्य को आत्मनिर्भर मानते हैं, राज्य को नैतिक रूप से सर्वोच्च मानते हैं, नैतिक रूप से व्यक्तियों के लिए कल्याणकारी मानते हैं। अरस्तु राज्य और व्यक्ति के मध्य जैविक या साव्य संबंध स्वीकार करते हैं। राज्य को व्यक्तियों से अलग नहीं किया जा सकता, न व्यक्ति को राज्य से अलग किया जा सकता है, ऐसा अरस्तु मानते हैं। अरस्तु कहते हैं कि मनुष्य एक सामाजिक और राजनीतिक प्राणी है, मनुष्य बिना समाज और बिना राज्य के नहीं रह सकता। अरस्तु साम्राज्य को साध्य मानते हैं, मनुष्य को साधन मानते हैं, वो मनुष्य की तुलना में राज्य को अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं क्योंकि राज्य में रहकर ही मनुष्य का कल्याण संभव है। वो मानते हैं कि ऐतिहासिक रूप से मनुष्य इस धरती पर पहले आया, लेकिन चूंकि पूर्ण अंश से हमेशा पहले आएगा इसीलिए राज्य का स्थान पहले है, मनुष्य का स्थान राज्य के बाद है। ये अरस्तु के राज्य संबंधी विचार हैं, अति महत्वपूर्ण है, वैज्ञानिक विचार हैं, उनका विकासवादी सिद्धांत है राज्य का ये। और इस प्रकार अरस्तु के राज्य संबंधी विचार वास्तव में बहुत व्यवहारिक हैं और वैज्ञानिक नियम पर आधारित हैं। अगले वीडियो में अरस्तु के हम जो अन्य विचार हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।